हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। दोस्तों, इसके पहले मैं लक्ष्मी भाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड SBPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल YMCA आदि के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो उसके बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो आज जानते हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, नेताजी, ठीक है, NSNIS, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। इसकी स्थापना जो है 1961 में पंजाब के पटियाला के मोतीबाग पैलेस में हुआ था, ठीक है, और किस नाम से हुआ था, NIS के नाम से, ठीक है। तो 1961 में इसकी स्थापना पंजाब के पटियाला के मोतीबाग पैलेस में राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS के नाम से हुआ था, न कि NSNIS की, ठीक है। तो 1961 में इसकी स्थापना हुआ था पंजाब के पटियाला के मोतीबाग पैलेस में राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS के नाम से हुआ था। किसके नाम से, NIS के। तो इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1961 में NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना किस नाम से हुआ था, तो NIS के नाम से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से। कहाँ हुआ था, पंजाब के पटियाला के मोतीबाग पैलेस में 1961 में, ठीक। और ये जो NSNIS जो है, एक किसके सुझाव पर हुआ था, तो एडहोक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसके सुझाव पर हुआ था, एडहोक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर, ठीक है। 1958 में एडहोक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना हुआ था, जिसे मैं सारी शिक्षा के इतिहास वाले, भारतीय सारी शिक्षा के जो इतिहास का वीडियो है उसमें मैं पूरी डिटेल में बताई हूँ, तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो ये जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना जो है, एडहोक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर हुआ, ठीक है। और 1958 में ही राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को बंद करके उसको NIS में मिला दिया गया, यानी इसी संस्था में मिला दिया गया, ठीक है। NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसी नेताजी सुभाष की स्थापना 1961 में NIS के नाम से हुआ था। तो इस राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो है उसको बंद करके 1958 में NIS में मिला दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को बंद करके NIS में कब मिलाया गया, तो 1958 में ही, ठीक है। और यहाँ भी NIS और NSNIS दोनों पूछेगा तो कंफ्यूज मत होगा, क्योंकि NSNIS का ही स्थापना 1961 में NIS के नाम से हुआ था, ठीक है। बाद में इसे NIS का नाम बदल करके, कब बदला नाम दोस्तों बता दें कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना जो है 1953 में हुआ था, ठीक है ना, और 1958 में इसको बंद कर दिया गया, और बंद करके NIS में मिला दिया गया, मतलब इसी संस्थान में मिला दिया गया। और फिर इस NIS का नाम कब बदला गया, 23 जनवरी 1973 इसी में इसका यानी NIS का नाम बदलकर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का नाम बदलकर NSNIS कर दिया गया। NSNIS इसका प्रभाव नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रखा गया। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यह नाम कब रखा गया, या NIS का नाम बदलकर NSNIS कब रखा गया, तो 23 जनवरी 1973 में, ठीक है, इसका नाम बदला गया। नेक्स्ट है 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ,
राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ, जिसको इंग्लिश में सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी शॉर्ट में सनीपेस, यानी SNIPES, सनीपेस, ठीक है। इसको साई में मिलाया गया, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण में मिला दिया गया, ठीक है। जिसके उपरांत क्या हुआ, यानी कि सनीपेस को साई में मिलाने के बाद NSNIS पटियाला से संबंध केंद्रों को, जितने भी NSNIS से संबंध केंद्र थे, उन सबको अलग अलग जगहों पर खोला गया, ठीक है। जैसे कि भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, गांधीनगर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, इन अलग अलग जगहों पर इसकी संस्थाओं को, केंद्रों को खोला गया। तो अभी तक हमने जाना कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 61 में, किस नाम से हुआ था, NIS के नाम से, कहाँ हुआ था, पंजाब के पटियाला के मोतीबाग पैलेस में, ठीक है, और किसके सुझाव पर हुआ था, तो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर, ठीक है। एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में, एंड राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को बंद करके 1958 में NIS में मिलाया गया, और इसका नाम कब बदला गया NIS से NSNIS, तो 23 जनवरी 1973 में, और 1987 में सनीपेस, यानी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ को साई में मिलाया गया, और फिर क्या हुआ उसके उपरांत NSNIS पटियाला से संबंध केंद्र को अलग अलग जगहों पर खोला गया, इसमें से भोपाल, मंगलोर, कोलकाता, गांधीनगर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम शामिल है। तो हम देख लेते हैं कि NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है खोलने का, ठीक है, स्थापना करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न खेलों में उच्च कोटि के कोच तैयार करना, ठीक है, ठीक है, विभिन्न खेलों में उच्च कोटि के कोच को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, एंड पहले से मौजूद कोच है उन सब की भी तकनीकी योग्यता का स्तर को ऊंचा करना। एक तो विभिन्न खेलों में उच्च कोटि के कोच तैयार करना इसका उद्देश्य है ही, बट जितने ही मौजूद पहले से कोच हैं उन सब की तकनीकी योग्यता का स्तर पहले से और बेहतरीन करना भी इसका उद्देश्य है, और एक ऐसा खेल केंद्र स्थापित करना जहाँ से अलग अलग खेलों की सूचना प्राप्त हो सके, इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा खेल केंद्र स्थापित किया जाए जहाँ से अलग अलग खेलों की सूचना प्राप्त उसको हो सके। अब प्रतिभा ढूंढने में सहायता देना, यानी कि कहाँ कहाँ उच्च कोटि के खिलाड़ी या कोच हैं, यानी एक प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढना, इसकी उनकी सहायता करना इसका उद्देश्य है, एंड राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रशिक्षण का प्रबंध करना, खेलों में साहित्य छापना और इसे लोकप्रिय बनाना, मतलब खेलों के बारे में नियम कानून छापना और उनको लोकप्रिय बनाना है भी इसका उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के कोर्सों का प्रबंध करना, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक जो कोर्स हैं उन सब कोर्सों को प्रबंध करना भी इसका उद्देश्य है, और खेलों से संबंधित खोजें करना, मतलब खेलों में जो नए नए बदलाव होते हैं उन संबंधित खोजों को करना भी इसका उद्देश्य है, एंड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस तथा टूर्नामेंट का आयोजन खेल से संबंधित, जैसे कि खेल से संबंधित सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और टूर्नामेंट का आयोजन करना भी इसका उद्देश्य है, एंड सेकेंडरी लेवल पर जो विद्यार्थी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें उसे स्कॉलरशिप की सुविधा भी देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। एशियन देशों को भेजे हुए व्यक्तियों को कोच के तौर पर प्रशिक्षण देना भी इसका उद्देश्य है, एंड नेहरू युवा केंद्र की आरंभिक अथवा निम्न स्तर पर खेलों की उन्नति करने में सहायता करना इसका उद्देश्य है, एंड एशिया एथलेटिक्स कोच एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कोच के सचिव के रूप में कार्य करना भी इसका उद्देश्य है, एंड भारत सरकार के ग्रामीण खेलों के कार्यक्रमों को असली रूप देना, ठीक है, एंड इस खेल के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है सनीपेस, यानी कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ, यानी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सनीपेस को जाता है, ठीक है। तो इसकी NSNIS में जो भी खेल कूद होते हैं, जो भी क्रिया होती है, उन सबका
प्रबंधन कौन करता है, प्रबंधन की जिम्मेदारी किसका होता है, तो सैनिक पीएस का होता है, यानी राष्ट्रीय शालेय शिक्षा और खेल संघ की। ठीक है, इसके सदस्य जो है भारतीय सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं, जो सैनिक पीएस के सदस्य होते हैं उनको भारतीय सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था एनएसएन आईएएस नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के बारे में। आई होप कि आपसे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक ही ऐड किए गए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेगा आपको। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एंड कोई भी टॉपिक होगा आप उसे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करने की प्रयास करूँगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।